इस मूवी में हम प्रीवियस मूवी से कंटिन्यू करते हुए तमाम प्रोसेस को प्रोसेस ग्रुप के सीक्वेंस से लर्न करेंगे। प्रोसेस को हम एक छोटी सी मशीन तस्वीर कर सकते हैं जिसका इनपुट वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, मसलन टेम्पलेट्स, पॉलिसीज, रूल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोजेक्ट के दरमियान होने वाला वर्क है जो इनपुट को आउटपुट में टर्न करता है। आउटपुट आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स, डिलीवरेबल्स और डिसीजंस की सूरत में होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप है जिसमें वो प्रोसेस शामिल है जिससे किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए ऑथराइजेशन को ऑब्टेन किया जाता है। इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप किया जाता है और स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रोजेक्ट चार्टर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट को फॉर्मली ऑथराइज करता है। डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर के 5 इनपुट है। प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क में प्रोजेक्ट के जरिए डिलीवर होने वाली सर्विसेज और प्रोडक्ट्स वगैरह का नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है। बिजनेस केस ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो कि प्रोजेक्ट पर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो इसको वर्थ करता है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट किसी एक्सटर्नल कस्टमर के लिए किया जा रहा हो तो इस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट भी इनपुट में इंक्लूड होता है। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो प्रोजेक्ट के सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन फैक्टर्स में गवर्नमेंट या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट प्लेस कंडीशन इंक्लूडेड है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में पॉलिसीज, टेम्पलेट्स, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, प्लान्स, प्रीवियस प्रोजेक्ट की फाइल, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, प्रीवियस प्रोजेक्ट से लर्न किए हुए लेसन्स इंक्लूडेड हैं। इन सब इनपुट को यूज़ करते हुए ऐसे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाती है जिनकी किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज्ड नॉलेज या ट्रेनिंग होती है और फिर प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप किया जाता है जो प्रोजेक्ट को फॉर्मली ऑथराइज करता है। प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप करने के बाद दूसरा मरहला स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि ऐसे तमाम लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करना जिन पर प्रोजेक्ट की सक्सेस का इम्पैक्ट होता हो। स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 इनपुट को यूज़ किया जाता है। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हो या बिड और प्रपोजल एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज होते हो। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अलावा इनपुट में प्रोजेक्ट चार्टर, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स इंक्लूडेड हैं। इन इनपुट्स को यूज़ करते हुए स्टेक होल्डर्स के एनालिसिस की जाती है, यानी कि स्टेक होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, फिर इनके पावर और इंटरेस्ट की बुनियाद पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर को किस हद तक इंफॉर्मेशन देनी है। फिर एक्सपर्ट की जजमेंट को यूज़ करते हुए 2 आउटपुट क्रिएट किए जाते हैं जिनमें स्टेक होल्डर रजिस्टर और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूडेड है। इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप के बाद प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप स्टार्ट होता है। प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में टोटल 20 प्रोसेस इंक्लूडेड है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को डेवलप किया जाता है जो ये डिफाइन करता है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से एग्जीक्यूट, मॉनिटर, कंट्रोल और क्लोज किया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करने के लिए जिन इनपुट को यूज़ किया जाता है उनमें एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, प्रोजेक्ट चार्टर, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स और प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के तमाम प्रोसेस के आउटपुट इंक्लूडेड है। इसके बाद एक्सपर्ट के ओपिनियंस को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, यानी कि पहले प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के तमाम प्रोसेस के प्लान्स बनाए जाते हैं और फिर इन प्लान्स को इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। अब हम यहाँ एक पॉज लेते हैं। नेक्स्ट मूवी में हम प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।